तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड व्लॉग। थोड़ा सा लेट है, इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। और ये है हमारी छोटी सी परी, तो इसके साथ में आज पहले स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं इसको कैसा लगता है, क्योंकि ये भी देखती है, मोबाइल टीवी काफ़ी देखती है। तो लेट्स सी, और दिखाता हूँ आज के दिन में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो वो दिखाऊँगा, और नहीं होता है तो वो भी दिखा देंगे। व्लॉग तो बनाना ही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन और दिखाते हैं क्या क्या होता है दिन में, कैसा कैसा दिन जाता है। इसको भी बीच बीच में दिखाएंगे। अभी तो इसने दूध पिया है और शायद सोएगी, या अभी थोड़ा नहाएगी शायद ये, और उसके बाद में ये सोएगी और अपन करते हैं अपना काम। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। हाय गाइस, वेलकम बैक। अभी फ्रेशन अप हो गए हैं, तो थोड़ा चलते हैं कमरे के बाहर, देखते हैं घर पे क्या हो रहा है। वैसे मम्मी अभी आई हैं गांव से, 3-4 दिन गांव में थे, कुछ फंक्शन था तो अभी आई हैं। देखते हैं क्या हो रहा है कमरे में। मम्मी कमरे में चलते हैं, वहाँ पे बैठे हैं सब लोग और क्या बातें कर रहे हैं देखते हैं। कुछ बातें हैं आपको दिखा सकते हैं, इनका कॉन्टेंट दिखाते हैं क्या होता है। तो चलिए किचन में बन रहा है खाना, हमारे मैडम जी बना रही हैं खाना। चलिए चलते हैं। यहाँ कौन है? यहाँ है हमारे दादाजी, ये भी गांव जा के आए हैं। अभी अखबार पढ़ रहे हैं, पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक है, लिखते भी हैं, किताबें भी लिखते हैं। तो वो पढ़ रहे हैं अखबार, उनको समझ नहीं आया मैं क्या कर रहा हूँ। कमरे में थोड़ी देर बाद में चलेंगे, अभी कुछ बातें हो रही हैं, सीरियस टॉक्स, फैमिली टॉक्स। बाद में चलते हैं, थोड़ा सा थोड़ा फ्री हो जाते हैं जब देखेंगे। देखिए यहाँ बन रहा है खाना, ये बन रही है रोटियाँ। हाँ ये देखिए, हर कोई नाम लगाता रहता है, मेरा फ्रेंड भी है, मेरा नाम लगाता है, मैं लीड करवाता हूँ हर चीज़ में। यहाँ पर मेरा नाम लग रहा है कि मैंने रोटियाँ जलवा दी हैं। तो ये देखिए ऐसे ऐसे बनती हैं कुछ रोटियाँ ये। चलो एक तो फ़ायदा है, गोल रोटी बना नहीं पाती इनको। ये कहीं चूल्हे पे, और अब ये फूलेगी, देखते हैं। फूल जा नहीं, फूलेगी नहीं, अभी ये सिकेगी, इसके बाद में इसे रखेंगे सीधा गैस के ऊपर, फिर ये फूलेगी। तो दिखाते हैं, चलो। तो ये कहीं गैस के ऊपर, देखते हैं फूल तो भाई बना नहीं पाती हैं। तो ये देखिए कितनी सुंदर सी रोटी है हमारी, तो ठीक है अब इसको खाएंगे, खाना भी खाएंगे अभी थोड़ी देर में। चलिए और देखते हैं कुछ है क्या घर में, कुछ कंटेंट मिलता है क्या हमें। वैसे आज हमने एक चीज़ और डिसाइड करी है कि आज अपन बनाएंगे एक केक, बनाने की कोशिश करेंगे केक बनाने की, देखते हैं कैसा बनता है। वैसे एक दो बार बनाया है तो आपको बताऊँगा किस तरीके से बनाते हैं, किस चीज़ से बनाऊँगा। सिंपल नहीं, सिंपल केक बनाएंगे, तो उसके लिए सामान लेने जाना पड़ेगा। वो सामान लेने थोड़ी देर में चलते हैं, खाना वाना खा के फिर निकलते हैं बाहर। जैसे ही आपको साथ में लेके चलेंगे, थोड़ा सा गाड़ी में से व्यू भी दिखा देंगे, ऐसा कुछ व्यू खास होगा नहीं अगर आपको दिखा देंगे। और चलिए देखते हैं थोड़ी देर में खाना वाना खा के, अभी खाना देखेंगे क्या बना है। सब्जी मेरे को पता नहीं, रोटी तो दिख गई, सब्जी देखते हैं क्या बनी है, उसके बाद में खाना खाते हैं और फिर चलते हैं बाहर। लेके आएंगे अपना सामान केक के लिए, थोड़ा बहुत सामान बाकी तो पड़ा है, बेकिंग सोडा वगैरह जो पड़ा है, पाउडर वगैरह पड़ा है, खाली एक शायद एक इंग्रेडिएंट है वो लेके आएंगे और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हाँ तो ये देखिए आ चुके हैं अपने खाने की प्लेट, रोटी छाछ जो गर्मियों में बहुत ज़रूरी है, और ये आलू और फली की सब्ज़ी। तो चलिए जल्दी से इसे फिनिश करते हैं और चलते हैं अपना सामान लेने केक के लिए। तो चलो चलते हैं केक का सामान लेने। चाबी ले ली, बटवा ले लिया मास्क जो जरूरी है बहुत। ये रही अपनी सवारी,
गर्म हो रखी है। कांच खोल लेते हैं, अच्छी खासी हवा चल रही ठंडी ठंडी। एक्चुअली कल रात को काफ़ी बारिश हुई थी तो एसी की ज़्यादा ज़रूरत होगी नहीं। चलो एक बार मैं इसको रैंप पे से उतार लेता हूँ, उसके बाद में वापस शुरू करते हैं अपना वीडियो। अगर हमको चावल चाहिए ही नहीं तो हम लेंगे क्यों, ऑफर हो ना। बिस्किट्स 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 ये रहे, अपन को चाहिए चॉकलेट फ्लेवर ले लिए हैं अपने तीन बिस्किट्स। ये रही डेरी मिल्क, ये भी चाहिए थोड़ा सा ग्लेज डालने के लिए। तो इसमें से कौन सी चाहिए अपनों, प्लेन वाली चाहिए, ये वाली हो गए डेरी मिल्क। कराते हैं फिलिंग। सो हाँ, सामान हमने ले लिया है अपना, ये है ऐसा सामान इसके अंदर है, मैंने आपको दिखाया था। अपन को एक चीज़ मिली नहीं है, और एक्चुअली मेरे को कैमरा बंद करना पड़ा, उन्होंने बोला कि भाई कैमरा अलाउड नहीं है, वो कैमरा बंद कर दिया था, ऐसा कोई इशू नहीं था मगर बंद कर दिया। अब चलते हैं घर पे, वो एक चीज़ अपने पास की दुकान से ले लेंगे और फिर मिलते हैं आपसे केक मेकिंग पे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना केक बनाने का प्रोसेस। ये हैं अपने ओरियो बिस्किट, दो बिस्किट के बड़े वाले पैकेट लेने हैं चॉकलेट वाले। अब इनको एक एक करके क्रश कर लेंगे, उसके बाद में ग्राइंड कर लेंगे। तो अपन करते हैं इनको क्रश, जल्दी से कर लेते हैं। तो इसका पाउडर बन चुका है, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा दूध, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको ग्राइंड करते रहेंगे तब तक इसका पेस्ट ना बन जाए। तो ये देखिए, ये बन के तैयार है हमारा केक का बैटर। इसमें हमने लिए थे दो ओरियो बिस्किट, थोड़ा सा दूध, और अपन को जितनी चीनी चाहिए उतनी। वैसे तो ओरियो बिस्किट मीठे होते हैं, अगर थोड़ा सा और चीनी बढ़ा सकते हैं हम मीठनेस के लिए। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना बेकिंग पाउडर, इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगा इस बाउल में। इसमें थोड़ा सा बटर लगा के और हल्का सा आप आटा यूज़ कर सकते हैं ताकि चिपके ना, ठीक है। तो अब आपको दिखाता हूँ फिर दिन बाद में। चलिए तो देखिए, ये गया है हमारा केक ओवन में, इसको रख दिया बेक होने के लिए। अब देखते हैं कितनी देर में, मेरे को लगता है अराउंड 10-15 मिनट्स में हो जाना चाहिए। फिर भी हम बीच में चेक करते रहेंगे क्या, क्योंकि मैंने पहली बार बना रहा हूँ ओवन में, पहले मैं गैस पे ही बना लेता था। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, चलिए आपको मिलते हैं, दिखाते रहेंगे बीच में या फिनिश होने के बाद में दिखाता हूँ कैसा बनता है, ठीक है। चलिए तो गाइस, जब तक बनता है हमारा केक तब तक मैं मिलवाता हूँ आपको मेरी डॉटर से, जो कि अभी खेल रही है अपनी मम्मी के साथ में। बच्चे को खेलते हुए बहुत अच्छा लगता है, बच्चे खेलते हुए देखते हुए अच्छा बहुत अच्छा लगता है। देखिए, अगर ऐसे ही किसी बड़े आदमी के दांत ना हो तो कैसा लगेगा, मगर बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं। ये देखिए, इसको ऐसा हो रहा है कि इसकी मम्मी इसको गोद ले ले, वो खड़ी है, इसको लग रहा है कि मेरे को बस गोद में ले ले, ज़्यादा लेटना नहीं है, इसलिए ज़्यादा हाथ पैर चल रहे हैं इसलिए। तो ये थी हमारी पिटिया साहिबा।
चलिए आपको दिखाते हैं, जैसे ही केक बनता है मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद में एक चीज़ और उस पर और एड ऑन करेंगे, चॉकलेट का ग्लेज उस पर डालेंगे, चॉकलेट को मेल्ट करके उसके ऊपर डालेंगे, थोड़ा सा शाइनिंग अच्छा लगता है, थोड़ा टेस्ट और उसमें इनहेंस हो जाता है। तो ठीक है, उसको दिखाते हैं, फिर रैपअप करेंगे अपना ब्लॉग आज का। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमारी माता जी उतार रही हैं अपनी पोती की नज़र, मतलब मेरी बेटी की नज़र। बोलते हैं अपनी अपनी मान्यता ही है, जैसे एक रुई की बत्ती को तेल में डुबो के उसके सर के ऊपर से घुमा के और फिर जला के देखते हैं कटोरे में कितना काला धब्बा बनता है, जितना मोटा धब्बा उतनी बड़ी नज़र, और इससे फिर वो नज़र उतर जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने बनाया है हमारा केक और वो हो गया है बन के तैयार। उसके ऊपर एक ग्लेज भी कर दिया, जैसे मैंने बताया था चॉकलेट को पिघला के उसमें थोड़ा सा बटर डाल के। तो इस तरह का सा है कुछ केक, खाएंगे इसको थोड़ी देर बाद में खाएंगे, अभी इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देता हूँ फ्रिज में, एकदम ये जम जाएगा तब इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। तब तक चलिए चलते हैं अपने कमरे में, अभी हो चुकी है रात और अब खाएंगे हम खाना। तो चलिए, सो ओके, सो हमारा केक बनके हो चुका है तैयार और दिन भी ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, रात हो चुकी है, अब हम खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद में एक दो वीडियो देख लेंगे और सो जाएंगे। तो ठीक है, यहीं तक का था आज का हमारा व्लॉग, तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, और ज़रूर अगर आपको पसंद आया हो व्लॉग तो ज़रूर हिट द लाइक बटन, और अगर आप वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो अपना सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिएगा, और जो नोटिफिकेशन बेल का आइकन है उसको भी दबा देना, ताकि अगला जब भी व्लॉग आएगा आपको पता चल जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली ये व्लॉग कल तक आपके पास आ जाएगा। तो ठीक है, अब मैं इसको एडिट करूँगा खाना खाने के बाद में, फिर व्लॉग को अपलोड कर दूँगा कल सुबह, तो कल मोस्ट प्रोबेबली 10 बजे तक आपके पास में व्लॉग ये आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।